हेलो फ्रेंड, आज की रेसिपी है बेसन की कचौड़ी। इसके लिए मैंने मैदा लिया है, यहीं पे मैंने डाला अजवाइन, कलौंजी और नमक। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें रिफाइंड ऑयल डालकर इसको अच्छे से मिला लेंगे। रिफाइंड ऑयल और मैदे अच्छे से मिल चुकी है। अब पानी की सहायता से एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। अब इसको ढककर 20 मिनट के लिए रख दें। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई लिया है, इसमें मैंने 4 टेबल स्पून घी डाला है। घी थोड़ी सी गर्म हो गई है तो इसमें डालेंगे मेथी दाना और हींग। मेथी दाना जब थोड़ी सी चटकने लगे तो यहीं पे डालेंगे अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट। इसको थोड़ी सी भूनेंगे। जब ये भुन जाएगी तो इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर। मिर्ची पाउडर मैंने कम डाला है क्योंकि मैंने हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। जब ये भुन जाएगी तो इसमें डालेंगे बेसन। और इसे धीमी आंच पे धीरे धीरे भूनेंगे। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और इसको धीमी आंच पे धीरे धीरे भुने। इसको लगातार चलाते रहे। मुझे घी इसमें थोड़ी सी कम लगी तो मैंने इसमें और डाल दिया। देख सकते हो आप, बेसन की कलर धीरे धीरे चेंज हो रही है। हमारी बेसन भुन चुकी है तो इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब आटे की छोटी छोटी लोई बनाएंगे और इसमें बेसन की मिश्रण डालेंगे। और इसे हल्के हाथों से बेल लेंगे। एक कढ़ाई में मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है। ये रिफाइंड ऑयल बिल्कुल कम गर्म है, इसे लो फ्लेम पे ही तले। इससे हमारी कचौरी फूली फूली बनेगी और अच्छे से पक भी जाएंगी। देख सकते हो आप हमारी कचौरी कितनी अच्छी फूली फूली हुई बनी है। अगर आपको हमारी कचौरी की रेसिपी अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करें।